चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शौच। एक गांव में दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे। पहला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, बीए किया है, नौकरी करती है, कद 5 फुट 2 इंच है, सुंदर है, कोई लड़का नजर में हो तो बताएगा। दूसरे, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहला, कुछ खास नहीं है, बस लड़का, MA, MTech किए हो, अपना घर हो, कार हो, घर में एसी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई लाख रुपया तक हो। दूसरे, और कुछ? पहला, वो सबसे जरूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप बहन नहीं होना चाहिए। वो क्यों है? लड़का झगड़ते होते हैं। दूसरे बुजुर्ग की आंख भर आई, फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहला, तो करवाओ ना रिश्ता पक्का। मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्ता न हो। कहते कहते उसका गला भर आया। फिर बोला, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और बहुत सुखी रहेगी। पहले, ये क्या बकवास है, हमारा परिवार क्या करे आत्महत्या, कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन उसके साथ हुआ उसके पास होगा। दूसरा, वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ, घर के बड़े घर के छोटे सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद संवेदनशील के कारण कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, अगर परिवार नहीं है तो किससे अपनी खुशियाँ और गम बांटोगे। अच्छी सोच रखे, अच्छी सीख दे। जय गुरुदेव।